गाइस, क्या आपको पता है कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है? जी हाँ, भारत में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारत में तकनीकी क्रांति आई थी। 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मौजूदगी में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर मिसाइल शक्ति 1 का सफल परीक्षण किया था और इसके बाद भारत ने खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में घोषित कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। 11 मई के इतिहास की बात करें तो इस दिन न केवल शक्ति बल्कि भारत ने 2 और ऐसी उपलब्धियां हासिल की थी जिनको देखकर पूरी दुनिया ने साइंस और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा माना था। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विंग्स ऑफ डिजायर को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। ऑपरेशन शक्ति के अलावा 11 मई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया जो कि एक सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और आज ही के दिन भारत में बने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट Hansa 3 ने बेंगलुरु में अपनी सफल उड़ान भरी थी जिसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डेवलप किया। तो इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए आज कितना गौरव भरा और महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए योगदान के लिए और उनके प्रोत्साहन के लिए आज के दिन 11 मई को हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी रखता है जहां पर वो सभी वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है। तो दोस्तों, ये थी नेशनल टेक्नोलॉजी डे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आप कैसे मना रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।